Hello. Hi, Mom. Chloe, welcome home. तुम घर आ रही हो ना? हाँ, घर आ रही हूँ. तुम्हारा भाई खुशी के मारे उछल पड़ेगा. ओह, मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ. तो डैड की सरप्राइज पार्टी की तैयारियाँ हो गई? क्लोई, जब तुम घर आओगी तो तुम्हारे डैड तुम्हें नहीं मिलेंगे. क्या? क्यों मॉम, वो कहाँ जा रहे हैं? उन्हें फ्लाइट का कॉल आया था. आपने उन्हें बताया मैं आ रही हूँ? हाँ बेटा, मैंने बताया था, पर फ्लाइट का कॉल आया और वो. कौन सी फ्लाइट है उनकी? वो लंदन की है. 335? बेटा वो भी बहुत. रेमी से कहना मैं जल्दी घर आ जाऊंगी. क्लोई, थैंक यू सर. थैंक यू. एक ऑटोग्राफ. आप रोज मौत को करीब से देखते हैं, टीवी पर भी आप हमेशा नई मुसीबत से घिरे रहते हैं. इस काम में मुसीबतें तो आती है, लेकिन किसी को तो करना ही पड़ेगा ना. क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ मिस्टर विलियम्स? हाँ जरूर. क्या आप बाइबल पढ़ते हैं? Well, इतनी फुर्सत ही कहाँ मिलती है. बाइबल में मैथ्यू 24 संदेश 7 में लिखा है कि जब दुनिया में अकाल, महामारी और भूकंप होगा, आपदा आएगी, युद्ध होगा, तब दुनिया में एक अजीब घटना घटेगी. मतलब भगवान जानते हैं कि ये सारी चीजें होने वाली है. हाँ, ईश्वर को सब पता रहता है. तो फिर वो कुछ करते क्यों नहीं है? मतलब वो भगवान है, चाहे तो बाढ़ रोक सकते हैं, जहाँ अकाल हो वहाँ बारिश करवा सकते हैं. मतलब बहुत देर हो चुकी है. ईश्वर ने खूबसूरत दुनिया बनाई थी, हम लोगों की वजह से वो तबाह हो गई. किसने तबाह किया? मैंने, आपने, इन्होंने? देखो, इसे समझना बहुत ही मुश्किल है, मैं जानती हूँ. पर लोग ये समझते हैं कि ईश्वर उनसे प्यार करता है. ये कैसा अंधविश्वास है? हाँ, मुझे चलना चाहिए. कैप्टन चली. ओके. न्यूयॉर्क से मिलान जाने वाले पैसेंजर्स कृपया बोर्डिंग के लिए तैयार रहें. अच्छा बोल लेती हो. हाँ सॉरी, मैं कुछ ज्यादा नहीं बोल. कोई बात नहीं, वाकई काफी अच्छा बोलती हो तुम. हमेशा इसी तरह अपनी राय देती हो. नहीं, आज मुझसे रहा नहीं गया. कैमरन विलियम्स, दोस्त मुझे बक कहते हैं. ओह, और मेरा नाम है क्लोई स्टील, दोस्त मुझे क्लोई बुलाते हैं. तो तुम कॉलेज में हो? वाओ, समझ नहीं आता जर्नलिस्ट को हर बात पता कैसे चल जाती है. थैंक यू सो मच. अगर तुम नहीं आती तो वो पागल औरत मेरा दिमाग खा जाती. थैंक्स मेरी मॉम को कहना. आज मैं जैसी भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ. मतलब वो भी थोड़ी पागल है. वैसे आज सुबह से मैं उनके लिए एक सही शब्द तलाश रही थी, और जो शब्द मैंने चुना है वो है सन की. सन की? वाह क्या शब्द है, सन की. क्या तुम कॉफी पीना चाहोगी? नहीं, मूड नहीं है. ओह कम ऑन. अच्छा कॉफी को छोड़कर अगर मैं तुम्हें 2-4 आइसक्रीम खिलाऊं, अलग अलग फ्लेवर वाले, तो मूड ठीक हो जाएगा. 2-4? वाओ, ये आइडिया बुरा तो नहीं हो जाए? है. पर मैं यहाँ किसी का इंतजार कर रही हूँ, वो बस आते ही होंगे.
मेरे डैड। आज उनके बर्थडे पर आकर मैं उन्हें सरप्राइज करना चाहती थी, पर उन्हें काम की वजह से कहीं। कैप्टन मैं हूँ, टोपी तुमने पहन रखी। ये टोपी आपको सूट नहीं करती। क्या बात कर रही हो, अब तुम्हारे ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे। चलो ये भी मंजूर है। तुम चलो, मैं आता हूँ। मैं वेट करती हूँ। हाय स्वीटहार्ट। हाय। हे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आपके बर्थडे पर आपको सरप्राइज देने आई हूँ। आज सुबह ही मुझे कॉल आया बेटा, और मैं फ्लाइट कैंसिल नहीं कर सकता। हाँ, मॉम ने बताया मुझे। तुमने मुझे पहले बताया तो शायद मैं कुछ। अब तुम तो कैमरॉन विलियम्स हो ना, मशहूर रिपोर्टर। तो तुम दोनों? नहीं, बस हम अभी मिले। मिलकर खुशी हुई कैप्टन रे। वेल, आप दोनों मिलकर बात कीजिए, है ना? और तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा क्लोई। बहुत अच्छी लग रही हो तुम। आओ बैठो। कॉलेज कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। बोलो। पता है, जब मॉम ने मुझसे कहा कि आप मुझे घर पर नहीं मिलेंगे, तो मुझे लगा आप चले गए। नहीं, मतलब हमेशा के लिए चले गए। अपना सामान उठाया, दरवाजा जोर से पटका, गुस्से में गाड़ी निकाली और कहीं दूर चले गए। तुम्हारी मॉम और मेरे बीच में सब ठीक है बेटा। कोई बात नहीं, मैं आपको दोष नहीं दे रही। पर किस बात के लिए? इस तरह भागने के लिए। मैं भाग का रहा हूँ, ये तुम्हें लग रहा है कि मैं भाग रहा हूँ? वो लड़की कौन थी? कौन सी लड़की? वो फ्लाइट अटेंडेंट, खूबसूरत है और काफी जवान भी। फ्लाइट अटेंडेंट? मैं बहुत सी फ्लाइट अटेंडेंट के साथ फ्लाई करता हूँ, मैं तो उनके नाम तक नहीं जानता। एक साल पहले अगर मॉम ने खुद को ईश्वर सेवा में समर्पित ना किया होता, तो आप मॉम के साथ होते, हम सब घर पर होते, साथ एक परिवार की तरह। क्लोई, तुम जानती हो, जब मेरी और तुम्हारी मॉम की शादी हुई, तब हम बहुत ही ना समझते, और 20 से 50 साल की उम्र में इंसान की जिंदगी में बहुत कुछ होता है जो उन्हें बदल कर रख देता है। उसने खुद को ईश्वर सेवा में समर्पित कर दिया, और मुझे लगता है कि तुम्हें उसके साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहिए। मुझे? आप क्यों नहीं बिताते? आप उन्हें छोड़कर लंदन जा रहे हैं। पर तुम भी तो क्रिसमस के बाद आज तक घर नहीं आई हो। मैं कॉलेज जाती हूँ। तो मेरी भी तो जॉब है। वो मुझे भी अपनी तरह बनाना चाहती है, और मुझे ये अच्छा नहीं लगता। जानता हूँ। देखो, हमें पता है कि पिछले एक साल से हम सब एक दूसरे से अलग अलग रह रहे हैं, पर वो तुम्हारी माँ है, और अच्छा होगा अगर तुम, मेरा मतलब हम दोनों, उसके साथ थोड़ा और ज्यादा वक्त बिताएं। आप उन्हें मिस करते हैं ना? हाँ, करता हूँ। पर एक बात कहूँ, उसका ये दिन भर धर्म कर्म में लगे रहना मेरी समझ में नहीं आता। मॉम की दी हुई रिंग कहाँ है? वो गाड़ी में है, मैं फ्लाइट के वक्त कभी नहीं पहनता। क्लोई, मैं तुम्हारी मॉम को बहुत प्यार करता हूँ, मैं कुछ गलत नहीं करूंगा, ठीक है? अब मेरी फ्लाइट का वक्त हो गया, हम बाद में बात करेंगे। हाँ, जब आप आएंगे मैं जा चुकी होंगी, पर मैं चाहता हूँ कि हम फिर से जल्दी ही मिलें, ओके? ये लो, गाड़ी बाहर पार्किंग में खड़ी है, माँ के साथ अच्छे से पेश आना, समझ गई ना? और अपना ख्याल रखना। तुम ठीक हो? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। रुको, जर्नलिस्ट हूँ, सब पता कर लेता हूँ। एक मिनट। या थैंक्स। तो मैं बस थोड़ी सी निराश हूँ, और कुछ नहीं। सोचा था सब साथ होंगे, बर्थडे मनाएंगे, अच्छा वक्त बिताएंगे। उनकी फ्लाइट नहीं होती तो जरूर रुक जाते।
हवाई जहाज रनवे से टेक ऑफ करके बस ऊपर उड़ा ही था कि उतने में दो कबूतर प्लेन पर गिरे। जानती हो तभी फ्लाइट अटेंडेंट ने क्या कहा, कृपया अपनी कुर्सियों की पेटियां बांध लीजिए। माफ करना कैप्टन, बहुत बुरा जोक था। लेकिन हैटी को तो पसंद आया। अगर आपके पास और भी बुरे जोक्स हैं तो मुझे आकर सुना सकते हैं। हेलो मार्कस, जो कंप्यूटर में प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई? नहीं हुई कैप्टन, प्लेन के बहुत सारे इक्विपमेंट पुराने हो चुके हैं। मेरे जन्मदिन पर ये अच्छा तोहफा है, 6 घंटे की फ्लाइट कहीं 9 घंटे की ना हो जाए। आज जन्मदिन के दिन आसमान की सैर कुछ ज्यादा कर लो। जन्मदिन मुबारक हो, हैव अ गुड फ्लाइट। थैंक्स। तो मॉम मानती है कि सब कुछ ईश्वर करवाता है? हाँ, उनका तो यही मानना है। अगर वो टीवी पर भूकंप की भी न्यूज देख ले तो सबसे यही कहती है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान में इतना अंधविश्वास? याद है ना, एक बार सुनामी आई थी, वहां एक औरत थी मदीना, उसके 4 में से 3 बच्चे सुनामी में मारे गए, उसकी आंखों के सामने बह गए। उसने एक हाथ से पेड़ पकड़ा था और दूसरे हाथ से अपने 1.5 साल के बच्चे को। उसे भरोसा था कि ईश्वर ने उसकी और बच्चे की जान बचाई, इसलिए उसने ईश्वर को शुक्रिया कहा। लोग मरे और भगवान का शुक्रिया अदा किया? शायद ऐसा नहीं था। बचाव दल का पहला दस्ता आया तो उसने जाने से मना कर दिया। उसका कहना था सब कुछ ईश्वर ही तो करता है। फिर जमीन धस गई, सबके सब जिंदा दफन हो गए। लोगों के साथ इतना कुछ बुरा होता है फिर भी वो भगवान में? लोगों का मानना है कि जो होता है वो पहले से तय है। उनका विश्वास है कि ईश्वर की बनाई हुई दुनिया ही सत्य है, और एक दिन हर कोई इसको मानेगा। वैसे तुम्हारा क्या मानना है, तुम्हें इन सब बातों पे कितना यकीन है? मैंने उस गांव में देखा कि लोगों ने तबाही में अपना सब कुछ खो दिया है। तुमने वजह नहीं पूछी? वजह ईश्वर नहीं, सुनामी थी। तो तुम्हें भी इन बातों पर यकीन नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ईश्वर ही हर चीज की वजह होता तो मैं यहां अपनी मर्जी से तुम्हें इंप्रेस करने क्यों बैठता। ओ, बड़ी खूबसूरत हंसी है। तुम भी ना। क्या हुआ? मैं रे की जोक के बारे में सोच रही थी, मुझे उनकी हर बात अच्छी लगती है। रे, तुम्हारा मतलब कैप्टन स्टील? कैप्टन स्टील होंगे दूसरों के लिए। वाह, सचमुच? मतलब तुम दोनों? एक मिनट, नहीं अभी तक नहीं, पर हम लंदन में कुछ दिन साथ बिताने वाले हैं। सच्ची? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? रुको, कहाँ जा रही हो? और भी तो कुछ बताओ। तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। देखो, मैं तुम्हें लंदन से फोन करूंगा। सच में? हाँ, सच में। टाइम हो गया है। इतनी जल्दी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। ओ अच्छा, न जाने रोज कितनी लड़कियों को एयरपोर्ट पर मिलते हो, सबको ऐसे ही फोन करते हो? नहीं, किसी को नहीं करता। क्लोई। ओ हाय जिम, ये टिकट तुम्हारे डैड के लिए है, कल रात के शो के हैं। यू टू, वाओ, इनकी टिकट्स तो मिलती ही नहीं। अब क्या बताऊं, मुश्किल से 2 हफ्ते बाद मिली हैं। 2 हफ्ते? क्लोई, अब निकलता हूं। मिस्टर विलियम्स, प्लीज। बस एक मिनट, मैं आया। क्लोई, मैं मेरे डैड को ये दे दोगे प्लीज? हाँ, क्यों नहीं। यू टेक केयर। ये लीजिए मैडम। थैंक यू।
मिस्टर विलियम्स प्लीज सॉरी एक्सक्यूज मी कैप्टन क्लोई ने ये आपके लिए दिया है अरे तुम तो वही फेमस टीवी रिपोर्टर हो ना हाँ आपने बिल्कुल सही पहचाना कैमरन विलियम्स क्रिस स्मिथ आपसे मिलकर खुशी हुई मुझे भी मिस्टर क्रिस लंदन जाने वाली पैन कॉन फ्लाइट 257 में स्वागत है हम 6 घंटे 30 मिनट की दूरी तय करेंगे आपकी उड़ान सुखद रहे शुक्रिया तो मिला उसका नंबर मैंने तुम दोनों को लॉन्च में आधे घंटे पहले आते हुए देखा और प्लेन में दाखिल होने वाले तुम आखिरी इंसान हो तो तुम क्या चाहते हो कि मैं अपनी बची हुई जिंदगी तुम्हारे साथ बिताऊं पता नहीं टीवी पे दिखने वाले लोगों को ही क्यों लड़कियां मिलती हैं तुम भी ट्राई करो शायद तुम्हें भी तुम्हारी साइज की कोई मिल जाए अच्छा मजाक कर लेते हो तुम लगता है मेरा सफर तुम्हारे साथ बहुत अच्छा कटने वाला हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता है लेकिन पीछे जो बाकी लोग बैठे हैं ना उन्हें तकलीफ ना हो जाए सभी यात्रियों का स्वागत है मैं इस फ्लाइट का कैप्टन रेफर्ड स्टील हूँ बाहर का मौसम अच्छा है तो लंदन तक का सफर काफी खुशनुमा रहेगा कुर्सी पर बैठे रहें और सफर का मजा लें धन्यवाद कुछ ही देर में आपको ड्रिंक्स और स्नैक्स सर्व किए जाएंगे तब तक के लिए सीट बेल्ट बांधे रखें धन्यवाद पैन कॉन 257 टेक ऑफ के लिए रनवे क्लियर है बड़े हो गए हो ओके एयरपोर्ट से मेरे लिए कुछ लाई हो वो तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा ये लो इसे पकड़ो खुद ही देख लो क्या लाई हूँ वाओ मेरे लिए नए ग्लव यही तो मुझे चाहिए थे मॉम क्लोई आई है मॉम क्लोई आ गई है जल्दी आओ मॉम Hi, honey. Hi, mom. Oh my gosh. कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची. Wow. तुम कुछ पियोगी? हाँ. Mom, Chloe मेरे लिए नए gloves लेकर आई हैं. देखिए. तो तुम्हें देख के तुम्हारे dad चौंके? हाँ. हाँ चौक गए थे तुमसे मिलके खुश हुए होंगे ना उन्हें अफसोस था कि उन्हें जाना पड़ा हाँ मैं जानती हूँ तुम्हारा सफर कैसा रहा अच्छा था बहुत अच्छा था और कॉलेज अच्छा चल रहा है
हे मॉम, जानती हूँ मैं एयरपोर्ट पर किससे मिली? बक विलियम्स से। ओ सॉरी, कैमरन विलियम्स। वो न्यूज रिपोर्टर? हाँ। सच्ची? उससे बात करने का मौका मिला? हाँ मिला। आप जानती हैं, वो बहुत ही अच्छा इंसान है और बहुत ही स्मार्ट है और बहुत हैंडसम है। मैंने कहा आप उसकी फैन हैं। ओह। हाँ, अरे एक और बात, आप अकेली नहीं हैं जिसे ये लगता है कि भूकंप का मतलब है दुनिया का विनाश। एक पागल औरत भी ईश्वर के नाम पर मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। खैर छोड़ो, बक बहुत अच्छा इंसान है। क्लोई बेटा, देखो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहती, पर तुम्हें बाइबल पढ़नी चाहिए। आखिर तुम नास्तिक बनकर कब तक रहोगी? मुझे तुम भी उतनी ही प्यारी हो जितनी की बाइबल। मैं चाहती हूँ कि तुम ये समझो। क्या समझना है? अब रहने दीजिए। तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती हो क्लोई? मॉम, मैं अभी तो यहाँ आई हूँ, मुझे आपसे बहस नहीं करनी है। ठीक है, समझ तो सकती हो ना मेरी बात को। तुम सलामत घर पहुँचो इसकी मैं दुआ कर रही थी, और इसीलिए ईश्वर ने तुम्हें सही सलामत घर पहुँचाया है। क्या कहा आपने? ईश्वर ने मुझे घर पहुंचाया? ईश्वर ने मुझे घर नहीं पहुंचाया, मैं खुद घर आई हूँ। मैंने टिकट खरीदी, मैं फ्लाइट में बैठी, ईश्वर का इससे क्या मतलब? एक बात का जवाब दो मॉम, अगर ईश्वर मुझे डैड के बर्थडे पर घर लाए तो फिर उन्होंने आज डैड को लंदन क्यों भेज दिया? ताकि हम दोनों बैठकर बातें कर सकें। मुझे ऐसा नहीं लगता। एक बात मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ, डैड आज घर पर नहीं है, उसकी वजह आपके ईश्वर है। क्लोई, मैं अभी आती हूँ। ओके। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? क्यों, मैंने आपसे मांगी है? मैं आपका बैग ऊपर रख देता हूँ। मैं खुद रख सकता हूँ। तुम क्या देख रही हो? कुछ पूछना चाहती हो क्या? मैं गाड़ी कैसे चलाता हूँ, अपने कपड़े कहाँ से खरीदता हूँ, जूतों का साइज क्या है? मैं क्यों पूछूं? आप कहाँ जा रही हो? बाहर। मैं भी चलूं? मुझे अकेले रहना है। प्लीज। ठीक है, तैयार होकर आओ। यस। हम मॉल चलें? हाँ, क्यों नहीं? मैंने सुना है वहाँ पर कुछ नए गेम्स आए हैं। क्या आपको मम पागल लगती हैं? क्या? नहीं तो नहीं, मैं गुस्से में थी बस। डैड कह रहे थे फादर ब्रूस ने उनका दिमाग खराब कर दिया है। ओ, वो बस मजाक कर रहे थे। अच्छा, तो वहाँ जाती क्यों है? मुझे क्या पता।
आज मूड ऑफ होगा तुम्हारा, क्यों? वो क्यों? बर्थडे के दिन काम जो करना पड़ रहा है। काम करते रहना तो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया। क्लोई कितने दिन तक रहने वाली है? प्लेन बिल्कुल सही चल रहा है, मैं जरा बाहर जाकर देखता हूँ कि सब लोग ठीक ठाक तो हैं। ओह, तुम्हें ये पसंद है? ओह, थैंक यू। सम वाटर? यस प्लीज, वन बॉटल। ओके। कितनी डर गई थी मैं। अच्छा, मुझे दिला दो ना। नहीं, अरे ज्यादा महंगा भी नहीं है। सोच रहा था कि कहीं सीट स्टेज के ज्यादा नजदीक तो नहीं है। कॉफी? अच्छी हैं। हाँ? मॉम, मॉम आज भी वो नेकलेस पहनती हैं जो आपने उन्हें दिया था। पता है वो उसे कभी नहीं उतारती। वो दोनों कभी अलग नहीं होंगे ना, मॉम और डैड? हाँ हाँ, कभी नहीं होंगे। डैड को एक अर्जेंट कॉल आया था, इसीलिए उन्हें न चाहते हुए भी जाना ही पड़ा। डैड ने मेरे गेम्स के बारे में बताया। बहुत कुछ बताया, हम बस तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम दुनिया के सबसे अच्छे बेसबॉल खिलाड़ी हो, और जानते हो क्या? क्या? वो सही कह रहे थे। I love you. I miss you, Remy. ये मोटा कहाँ गया? प्लीज बैठ जाइए। आपने उसे देखा? मैडम प्लीज बैठ जाइए। शांत हो जाइए। क्रिस, क्रिस दरवाजा खोलो। Oh!
शांत रहिए और बैठे रहिए। प्लीज अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज आप समझिए, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज प्लीज पीछे आइए। कृपया ध्यान दें, मैं कैप्टन बोल रहा हूँ। मैं कैप्टन बोल रहा हूँ। सभी यात्री अपनी अपनी कुर्सी पर किसी वक्त बैठ जाएं। तुरंत शांत हो जाइए। रुक जाइए। कैबिन में हवा का दबाव कम हो रहा है, अपनी कुर्सी पर लौट जाइए और ऑक्सीजन मास्क पहन लीजिए। चलिए अपनी सीट पर जाइए। प्लीज आराम से। This is Pancon 257. यहाँ पर एक इमरजेंसी है। This is Pancon 257. यहाँ पर एक इमरजेंसी है। Mayday, Mayday. यह है Pancon 257. यहाँ एक इमरजेंसी है। जवाब दीजिए। मैंने जानबूझकर केबिन प्रेशर घटाया था। अब हटा सकती हूँ। इस वक्त सारे पैसेंजर्स बहुत डरे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि तुम जाओ और जाकर कॉकपिट को संभालो। तुम कर सकती हो ये? मैं जाकर पैसेंजर्स को समझाता हूं, तुम अंदर जाकर के कॉकपिट संभालो। जाओ। कैप्टन, सुनिए, मैं हूं कैप्टन स्टील। मैं चाहता हूं कि आप सब अपनी अपनी सीट बेल्ट्स बांधे रखें, पर अगर आप चाहें तो अपने ऑक्सीजन मास्क निकाल सकते हैं। ये सब हो क्या रहा है? मेरे बच्चे कहाँ हैं? मैं जानता हूं कि आप सब लोग जवाब चाहते हैं और मैं भी चाहता हूं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जवाब मिले, पर फिलहाल मुझे मेरी ड्यूटी करनी है ताकि आप सब सुरक्षित रहें। सुरक्षित? लेकिन किससे? सिट डाउन।
सुरक्षित हमारे अपने डर से, जो इस वक्त इस प्लेन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अब मैं फ्लाइट अटेंडेंट से कहूंगा कि यात्रियों की गिनती करें और जो भी लोग गायब हुए हैं हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। मेरी जमीन पर किसी से बात नहीं हुई है इसलिए बताना मुश्किल है कि ये सब क्या है। हमारे प्लेन में ही ये सब हो रहा है कि धरती पर भी ऐसी अजीब घटनाएं घटी हैं, पर मैं वादा करता हूं कि मुझे जब भी कोई जानकारी मिलेगी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कब? क्या मजाक है? रेमी! घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा वक्त दीजिए। चली गई है, नहीं ये सब क्या हो रहा है? हैटी, तुम्हें अपनी हिम्मत बनाए रखनी है। नहीं मुझसे नहीं हो रहा। हैटी हिम्मत मत हारो, मेरी तरफ देखो। हमें इमरजेंसीज के लिए ट्रेन किया गया है और हमें अपनी ड्यूटी करनी है। यहाँ मैं अकेला हूँ तो मैं चाहता हूँ कि तुम बाहर सब संभालो। ऑलराइट, ठीक है? अब सुनो, बाहर जाकर सबसे पहले पैसेंजर्स की गिनती करो, हमें पता तो चले कि वो कौन है और कितने गायब हुए हैं। मुझे डर लग रहा है। तुम्हें डर का पता नहीं, लेकिन इस वक्त मुझे मेरा फर्ज निभाना है। मैं हूं कैमरून विलियम्स, पेनकॉन फ्लाइट 257 से। हम अटलांटिक के ऊपर उड़ रहे हैं, लंदन जा रहे हैं। लगभग 3 घंटे दूर हैं जेएफके एयरपोर्ट से। कुछ देर पहले एक अविश्वसनीय घटना घटी है इस प्लेन में। मैम, क्या आप बता सकती हैं आपने क्या देखा? पता नहीं, मेरे बच्चे कहीं चले गए हैं, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। आप क्या कर रही थी जब ये हुआ? कुछ नहीं, मैं बस यहीं बैठी थी। शायद मेरी आंख लग गई और वो मेरे हाथ से छूट गए, इसलिए मैं चिल्लाई और वो शायद कोई भी यकीन नहीं करेगा कि इस हवाई जहाज में बैठे कुछ पैसेंजर्स गायब हो गए हैं। अपने सारे कपड़े, अपनी सारी चीजें, अपना सब कुछ छोड़कर। नहीं!
मिस, आप ठीक तो है ना? घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? नहीं, मैं जानती हूँ ये सब क्या हो रहा है। क्या जानती हैं आप? हेलो, कोई मुझे सुन सकता है? डरिए मत, चलिए अपनी सीट पर बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए। आपने कहा आप सब जानती हैं क्या हो रहा है। किसी को कुछ नहीं होगा। शांत रहिए, किसी को कुछ नहीं होगा। आपने सही कहा, किसी को कुछ नहीं होगा। ओके, अब आप थोड़ी सी रिलैक्स हो जाइए। रिलैक्स, अब थोड़ा सा आराम कीजिए। हाँ, क्या आप बता सकते हैं आपने क्या देखा? जो तुमने देखा वही मैंने देखा। हाइट छोटी होने से कुछ अलग थोड़ी ना दिखेगा। ओह प्लीज जवाब दो, लोगों के गायब होने से पहले आपने कुछ भी देखा? कोई उजाला, कोई आहट, कुछ भी? नहीं। उसका क्या हुआ, कौन था वो? मुझे नहीं पता कौन थे ये। कोई अजीब हरकत की थी उसने? सुनो दोस्त, यहाँ हर कोई अजीब हरकतें कर रहा है। एक तो इस कैमरे को हटाओ यहाँ से। ओह नो। हाय, ये मिस्टर स्टील का घर है, आप अपना नाम और नंबर छोड़ दें। मॉम, मॉम प्लीज फोन उठाओ, पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है। रेमी, अगर तुम घर पर हो और इस वक्त मुझे सुन रहे हो तो मेरी बात ध्यान से सुना, ओके? मैं जानती हूँ तुम डरे हुए हो, मैं भी बहुत डरी हुई हूँ, लेकिन मेरी खातिर फोन उठाओ और मुझे बताओ कि तुम सही सलामत हो। मुझे तुम्हारी आवाज़ सुननी है। काश तुम ठीक हो। मुझे लगता है हम सबको मिलकर इस वक्त प्रेयर करनी चाहिए। प्रेयर? किसकी प्रेयर है? गॉड की। किसका गॉड, तुम्हारा या मेरा? उससे क्या फर्क पड़ता है? जानती हो मैं क्या सोच रहा हूं? नहीं। सभी यात्री ध्यान दें, हम अभी आधे रास्ते भी नहीं पहुंचे, इसलिए हम वापस न्यूयॉर्क जा रहे हैं। हम जेएफके एयरपोर्ट पर 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। तुम ठीक हो? गिने कितने लोग हैं? मैंने कोशिश की पर काफी पैसेंजर्स कुर्सी पर बैठे नहीं है, बहुत सी कुर्सियां खाली हैं। रे वो बहुत डरे हुए हैं, हम सब डर गए हैं। बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि जो कुछ हुआ है
कहीं वो फिर से ना हो। ये सिग्नल कैसा है? चार्ली 1581, ये है पैनकॉन 257, जवाब दो। चार्ली 1581, ये एक इमरजेंसी है, आपने सुना हमें एक। चार्ली 1581, ये है पैनकॉन 257, जवाब दो। चार्ली 1581, आप हमारे रास्ते में उड़ रहे हैं, ये एक इमरजेंसी है। आप हमारे रास्ते में उड़ रहे हैं, बाहर जाके लोगों का ध्यान रखो। जल्दी ट्रैफिक अलर्ट, ऊंचाई पर उड़ो। सारे यात्रियों से निवेदन है कि वो अपनी सीट्स पर लौट जाएं और सीट बेल्ट बांध लें। अपनी एल्टीट्यूड बढ़ाइए। चार्ली 1581, आप हमारी एयर स्पेस में उड़ रहे हैं, मैं प्लेन को 1000 फीट ऊपर ले रहा हूं, मतलब 1000 फीट। यह है पैनकॉन 257। एक हवाई जहाज से हमारी टक्कर हो गई है। चार्ली 1581 दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हमारे कोऑर्डिनेट हैं 47। यह एक इमरजेंसी सिचुएशन है। एक हवाई जहाज गिर चुका है, बचाव टीम भेजे रिपीट। ये एक इमरजेंसी है। कोई तो होगा जो सुन रहा है, जवाब दो। क्या सोचते हो तुम लोग, कोई आतंकवादी संगठन इस तरह का हथियार तैयार करेगा? ये कार बॉम्ब बनाने जितना आसान नहीं है। अगर ये कोई हथियार है तो इस ग्रह का तो नहीं है। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे लगता है कि दूसरे ग्रह के एलियंस आए थे। एलियंस? लो कर लो बात, कौन यकीन करेगा इसकी बात पे? सब लोग यहाँ ठीक है ना? दूसरे प्लेन का क्या हुआ, सब मर गए क्या? कुछ पता नहीं सर, मुझे आपका कैमरा चाहिए, कैप्टन को प्लेन की विंग्स की तस्वीरें चाहिए।
यहाँ पर मेडिकल स्टाफ की जरूरत है, ओआर में डॉक्टर ब्रांडन की जरूरत है, वार्ड नंबर 5 की सारी नर्सेस ऑपरेशन रूम में आ जाइए। ओके कैप्टन, ये तस्वीरें मिली हैं। ऐसा लगता है जैसे बस 6 इंच से विंग बच गया है और स्पॉइलर तो टूट ही गया है। तो अब क्या होगा? लैंड करने के बाद प्लेन की रफ्तार कम करने में थोड़ी दिक्कत होगी। जेएफके का रनवे बहुत बड़ा नहीं है, पर अच्छी बात यह कि प्लेन को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। लगता है आज हमारा लकी दिन है। सारे चले गए, सिर्फ छोटे बच्चे ही नहीं बड़े बच्चे भी गए। ये सब क्या हो रहा है? मैं भी अपने भाई को ढूंढ रही हूँ। कुछ देर पहले डॉक्टर्स आपस में बात कर रहे थे। ये सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा, हर तरफ हो रहा है, दुनिया के हर कोने में। जब से ये हुआ है किसी ने एक भी बच्चे को नहीं देखा। मुझे लगता है कि कंप्यूटर सेंसर काम नहीं कर रहे हैं। सुनो बक, ऑटो पायलट मोड बंद हो चुका है। एक काम करो, तुम पीछे जाकर देखो कि कहीं उस टूटे विंग के आसपास कोई लिक्विड तो नहीं बह रहा है। लिक्विड? आपका मतलब फ्यूल? मैं प्लेन को 1,000-1,500 फीट ऊपर ले रहा हूँ, शायद पतली हवा के बहाव से हमें फायदा हो। बस यही बाकी था। वापस जाना है, मुझे वापस जाना है। हम वापस जा रहे हैं, हम कुछ ही घंटों में घर पर होंगे। मुझे वहाँ जाना है जहाँ मेरी बेटी गायब हुई है, मुझे ले चलो। शांत हो जाइए, फ्यूल खत्म हो रहा है, हम लंदन तक का आधा रास्ता तय कर चुके हैं, अब न्यूयॉर्क जाने जितना फ्यूल नहीं है। हमारे पास रिजर्व में बहुत फ्यूल है। हमें इतना बता दो कि क्या हम मरने वाले हैं? कोई हा? नहीं मरेगा। बोलो। hey, सब लोग मेरी बात सुने। क्या? कोई भी नहीं मरेगा, सुना मैंने क्या कहा? कैप्टन का कहना बिल्कुल सही है, हालात कितने भी खराब हों, लेकिन हम सबको हिम्मत से काम लेना होगा। आराम से सीट बेल्ट बांधिए। आग लगी है। कहाँ? विंग में, इस तरफ वाली। विंग में आग लगी है या फ्यूल में आग लगी? फ्यूल में, काफी बड़ी है। हम हवा की विपरीत दिशा में उड़ रहे हैं, बुझ जाएगी। पर फ्यूल जल रहा है और उसी से हमें वापस जाना है। क्या हम वापस पहुंच पाएंगे? वो इस पर निर्भर करता है कि लीकेज यहां पे है या यहां पे। तो अब हम क्या करेंगे? उसे जलने देते हैं और देखते हैं कितना बचता है।
आग बुझ गई। पर यहां फ्यूल का लेवल नहीं बदला है। मतलब फ्यूल खत्म? कुछ कहा नहीं जा सकता। एलिवेटर्स भी काम नहीं कर रहे हैं। मतलब एलिवेटर से प्लेन को ऊपर उठाया जाता है। प्लेन की स्पीड ज्यादा है, शायद हम न्यूयॉर्क 2 घंटे में ही पहुंच जाएं। पता नहीं किसी का फोन क्यों नहीं लग रहा है। तुम्हारे पास सैटेलाइट फोन है? मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूं। मेरे पास भी है। जो प्लेन हमसे टकराया लगता है वही आसमान में आखिरी प्लेन था। उसके पायलट से बात हुई? उस पे कितने लोग जिंदा हैं? पैसेंजर्स के बारे में तो पता नहीं, पर मैं इतना जानता हूं कि उस प्लेन को कोई नहीं उड़ा रहा था। सोच रहा था कि कहीं वो इस वक्त यहां तो नहीं। वो कौन? एलियंस। हम उन्हें देख नहीं सकते हैं, लेकिन शायद वो हमें सुन सकते हो। ये पागल हो गया है। अगर वो होते तो हमें जिंदा क्यों छोड़ते? दम है। तुम किमी को कितना जानती थी? क्या मतलब तुम किमी को करीब से जानती थी? ज्यादा नहीं, हमारी ड्यूटी सिर्फ 3 बार साथ में थी। जाओ उसकी चीजें लेकर आओ। कौन सी चीजें? जो मिले, उसका पर्स, उसका जैकेट, उसका बैग, जो कुछ मिले वो लेकर आओ। जल्दी जाओ प्लीज। ओके। Thank you.
चार्ली 1581, ये है पैनकॉन 257, जवाब दो। चार्ली 1581, आप हमारी एयर स्पेस में उड़ रहे हैं। मैं प्लेन को 1000 फीट ऊपर ले रहा हूँ, मतलब 1000 फीट। पर्स खाली करो। क्या? पर्स खाली करो, जल्दी करो, जल्दी। तुम ढूंढ क्या रहे हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि बाइबल की बातें सच हो सकती हैं। रे, तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैं जानता हूं कि वो सब कहां गए। मुझे लगता है कि हम किसी और ग्रह पर हैं, जहां सिर्फ आत्माएं हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने फिल्मों में देखा है कि लोग टाइम मशीन से सदियों पीछे चले जाते हैं। हमारे साथ भी शायद ऐसा ही कुछ हुआ हो। मतलब शायद हम उस युग में हैं जहां वो सारे लोग थे ही नहीं जो गायब हुए। सच ही आ गया है। बस करो, बहुत बकवास कर ली तुम लोगों ने। यहां क्या चल रहा है मुझे सब समझ में आ रहा है। क्या? कितने पैसे दिए उसने तुम्हें? ये क्या बात कर रही हैं आप? वो मेरी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हिलना मत। ये गन कहां से आई? तुम? हाँ? कितने पैसे दिए उसने तुम्हें? किसने? कहां छुपाया मेरी बच्ची को? क्या कह रही हो? मुझे कौन पैसे देगा? मेरे हस्बैंड और कौन? मैम देखिए, प्लीज। शट अप, जस्ट शट अप। मैडम, आपके हस्बैंड कौन है पहले हमें ये तो बताइए। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? सुनिए मैम, मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपके हस्बैंड से कभी नहीं मिला। आप सब मेरे हस्बैंड से मिले हुए हैं। ओ हेलो, आपको गलत फहमी हुई है, हम आपके पति को। बकवास बंद करो वरना गोली मार दूंगी। स्वर्ग, रे ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये तुम्हें क्या हो गया है? तुमने पहले कभी ईश्वर के बारे में बातें नहीं की, ये सब तुम्हें किसने बताया? मेरी वाइफ ने। मिस प्लीज, इसकी बातों पे मत जाइए, ये बेवकूफ है। मैं बेवकूफ? लेकिन ये आपके पति को नहीं जानता, गन मुझ पर तानी है। मैं बेवकूफ हूँ? तो ये हमसे बड़ी बेवकूफ है। मेरी बात सुनिए, गन मुझ पर तानी है। हाँ अब ठीक है, शांत हो जाइए। ओके ठीक है, अब अपने पति के बारे में बताइए। वो मेरी बेटी को छीनना चाहता है, पैसों की ताकत से वो कुछ भी कर सकता है। मैं अपनी बेटी को उससे दूर ले जा रही थी, अचानक मेरी आंख लग गई। किसी ने शायद मेरी ड्रिंक में कुछ मिला दिया होगा और उसी ने मेरी बेटी को उठा लिया। यहाँ उसका कोई आदमी नहीं है, वाकई नहीं है। मैं जब सो रही थी तब ये प्लेन लैंड हुआ होगा, वो मेरी बेटी को ले गया और सब कुछ झूठ बोलने के पैसे दिए। मैं अपनी बेटी के बगैर। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं पूरे वक्त जाग रहा था,
ये प्लेन लैंड हुआ ही नहीं, कोई भी इस प्लेन से बाहर नहीं गया। तो वो कहाँ गई, कहाँ चली गई मेरी बेटी? वही मेरा सब कुछ है, मैं कैसे मान लूं मेरी बेटी अचानक गायब हो गई? तुम सब लोग मुझे पागल समझते हो। मैं जानती हूँ कहाँ है वो। फादर ब्रूस, क्लोई, आप? ओह नो। अच्छा हुआ कि आप मिल गए। मेरी मॉम और मेरा भाई रेमी शायद दोनों ही चले गए हैं। मुझे लगा कि ईश्वर ने उन्हें उन्होंने ही किया है। जैसा बाइबल में लिखा था बिल्कुल वही हुआ। क्या यह सच है? तो फिर आप यहां पर कैसे? बाइबल में लिखा है, जब मैं छोटी थी तो एक प्रेयर कैंप में गई थी, सभी इसके बारे में बात कर रहे थे कि एक दिन ऐसा आएगा जब अचानक लाखों लोग गायब हो जाएंगे। लाखों? और क्या कहा उन्होंने? मुझे याद नहीं है, तब मैं बहुत छोटी थी। कौन ले गया उन्हें, कोई शैतान? नहीं, ईश्वर ले गए। तुम इन बातों पर यकीन करते हो? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहाँ है? वो सारे कहाँ गए? स्वर्ग में। मेरा हस्बैंड सही था। किस बारे में? कि शायद शायद मैं सच में पागल हूँ। नहीं, मुझे उसे साथ नहीं लाना चाहिए नहीं, था। नहीं, ऐसा मत कहिए। नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं अपनी बेटी के बगैर जीकर क्या करूं? देखिए मेरी बात सुनिए, वो गन हटा लीजिए, आप हिम्मत नहीं हार सकते। क्या आपके बच्चे हैं मिस्टर विलियम्स? नहीं नहीं है, पर मेरी माँ थी, वो बीमार थी। पापा ने बहुत कोशिश की, डॉक्टर्स, दवाइयां, लेकिन अंत में कुछ काम नहीं आया। एक दिन जब मैं स्कूल से लौटा तो देखा कि वो बिस्तर पर पड़ी हैं, खामोश। हमारे बस में कुछ नहीं होता। देखिए मैम, आज यहां जो कुछ भी हुआ है उसमें आपकी बेटी का कोई दोष नहीं है, सुना आपने? शायद वो यहीं कहीं मौजूद है, आपको देख रही है। शाबाश। हैडी, हमारे रिश्ते के बारे में मत सोचो, सच के बारे में सोचो, और सच को हमें मानना होगा। रे, कैसा सच? तुम कब से ये सब मानने लगे? अभी से। ये जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से हो रहा है, हमें यकीन करना होगा। और शायद ये सिर्फ इसी प्लेन में नहीं हो रहा है, दुनिया भर में लोग गायब हो रहे होंगे, हमें मानना पड़ेगा। यानी सब लोग स्वर्ग जा रहे हैं, ये तुम्हारी सोच है। तुमने तो प्लेन से बाहर किसी से बात तक नहीं की, बस तुम्हारे दिमाग में जो भी आया उसे तुम हकीकत मान बैठे। आरिन जानती थी कि ऐसा होने वाला है, उसने बताया था, सब कुछ बताया था, कैसे होगा, किस तरह लोग गायब होंगे। उसने कहा था कि आत्मा और शरीर चले जाएंगे, कपड़े यहीं रह जाएंगे, सब सच हुआ। उसे ये सब कैसे पता चला? मैं ये सोच के हैरान हूं। तुम्हें ये पहले सोचना चाहिए था। तुमने मुझसे झूठ कहा अपनी बीवी के बारे में, अपनी बीवी को भी इस ट्रिप के बारे में झूठ ही कहा होगा, अपनी बेटी को भी झूठ ही कहा होगा तुमने। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी जिंदगी तुमने कभी सच कहा ही नहीं होगा, और अब ईश्वर की बातें करके मुझे उलझा रहे हो। हैडी सुनो,
मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप यहाँ पर रहते हैं, सबको ईश्वर का रास्ता बताते हैं, फिर आप क्यों नहीं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे बाइबल पता है, मैं लोगों को ईश्वर के बारे में बताता हूँ, पर शायद पूरी श्रद्धा से नहीं। ईश्वर में विश्वास होना चाहिए। विश्वास, ईश्वर में श्रद्धा, उस ईश्वर पे जिसने मेरे डैड को मारा, वो ईश्वर जो मेरी माँ और मेरे भाई को इस दुनिया से कहीं दूर ले गया, उस पर विश्वास करूं जो प्लेन क्रैश करवाता है, शहर तबाह करवाता नहीं, है। वो उन्हें बचाने ले गया है। पर किससे? दुनिया पर छाने वाले उस काले अंधकार से, अत्याचार, युद्ध और 7 साल के अंधकार से बचाकर वो उन्हें स्वर्ग ले गए हैं। और बाकी लोगों का क्या, मेरा क्या, हम सबको क्या करना होगा? हमारे किए की माफी मांगना और उसकी पूजा करना, हमें ईश्वर में श्रद्धा बढ़ानी होगी। और कीजिए, जिस ईश्वर की बातें मेरी मॉम करती थी, वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। क्लोई, प्लीज मेरी बात समझो। आपकी बात को समझूं? पर क्यों समझूं? आप तो खुद ही ईश्वर को नहीं समझ पाए। एयर मार्शल भी गया? हाँ, वो भी ईश्वर को मानते थे। पैन कॉन 257, जवाब दो। ये पैन कॉन 257, आप सुन सकते हैं? पैन कॉन 257, मार्कस बोल रहा हूँ। रे, तुम सुन रहे हो? मार्कस। रे, कहाँ हो तुम? जेएफके एयरपोर्ट से 20 मिनट दूर है, हमें वापस आना पड़ रहा है। कितने लोग गायब हुए? मतलब ये हर तरफ हो रहा है? पूरी दुनिया में दोस्त, कोई नहीं जानता कितने गए, पर शायद लाखों। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी फैमिली का क्या हुआ? आयरिन को फोन करो, पता लगाओ घर पे सब ठीक तो है। फ्यूल कितना है? बहुत कम, हम लकी होंगे अगर हम जेएफके तक पहुंचे। सुनो, यहाँ हर तरफ हवाई जहाज है, रनवे पर जगह ही नहीं है, जेएफके एयरपोर्ट पर लैंड करना नामुमकिन है। तो लॉगाड़िया पर लैंड कर सकता हूँ? वहाँ भी जगह नहीं है। तो मैं कहाँ लैंड करूँ? तुम्हें किसी खुली जगह पर लैंड करना होगा। मार्कस, मैं ज्यादा दूर नहीं जा सकता। देखो, कोई रास्ता नहीं बचा है रे, शायद सिरेक्यूज का रनवे खाली है। वहां तक का फ्यूल नहीं है। अपने सीनियर से बात करो, उनसे कहो किसी भी तरह रनवे क्लियर करें। ओ मेरी सुनो। मार्कस, मार्कस, जेएफके टावर, यह है पैन कॉन 257। मेरे प्लेन में फ्यूल बहुत कम है, मुझे रनवे चाहिए। रिपीट, मुझे रनवे चाहिए। कोई दूसरा रास्ता बचा है? कोई रास्ता नहीं बचा है। हमारा फ्यूल ही कम नहीं है, बल्कि हमारी मंजिल भी मुश्किल है। जेएफके हवाई अड्डे पर लैंडिंग की इजाजत मिल गई होती तो शायद मैं कुछ कर पाता। अब बस एक ही रास्ता बचा है, किसी तरह वो रनवे क्लियर करें, और वो भी जल्दी। पानी में लैंड करें तो? टेक्निकल प्रॉब्लम है, पानी में लैंड कराया तो प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। नहीं, मैं लोगों को उनकी गलतियां सुधारने का मौका दिए बगैर मरने नहीं दे सकता। एक काम करो, प्लोई को जरा फोन लगाने की कोशिश। वही कर रहा हूं। सच कहूं तो मैं काफी देर से उसी के बारे में सोच रहा हूं। समझ सकता हूं। जेएफके टावर, क्या आप सुन रहे हैं? हम शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, फ्यूल खत्म हो रहा है, मुझे क्लियर रनवे चाहिए। सुना आपने? मुझे क्लियर रनवे चाहिए। मेरी बात सुनिए,
प्लेन में बहुत सारे पैसेंजर्स हैं, प्लेन को काफी नुकसान पहुंचा है, स्पॉयलर्स, फ्लैप्स, एलिवेटर सब खराब है, मैं इसे और ज्यादा वक्त हवा में नहीं उड़ा पाऊंगा। जब उसे ये टिकट मिली तब तुम उसके साथ थे? हाँ था, लेकिन उस वक्त वो मायूस थी। मुझे उसे छोड़कर नहीं आना चाहिए था। आपको क्या पता था? वो मुझसे मिलने आई थी और मैं चला आया उसे अकेला छोड़कर। ईश्वर जाने उस पर क्या बीत रही होगी। वो आपसे प्यार करती है कैप्टन, वो समझ जाएगी। उस बेचारी ने अपने दिल की बात यहां लिखी है। गलती मेरी ही है, मुझे उसे सच बता देना चाहिए था। काश मैं उसे बता पाता कि जो हुआ उसमें मोहन की गलती नहीं, मेरी गलती है। जब यारी ईश्वर के बारे में कुछ कहते मैं चला आता। कहना चाहती हूं कि आज सुबह मुझे ऐसा लगा कि हमारा परिवार टूट रहा है और उसकी जिम्मेदार तुम हो। मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया, मुझे माफ कर दो। मां मुझसे गलती हो गई, क्लोई, बक बोल रहा हूँ। थैंक यू बक, शुक्र है तुम जिंदा हो। मेरे मेरे डैड कहाँ हैं? यही मेरे पास में। क्लोई तुम ठीक हो? डैड, मुझे लगा प्लेन क्रैश हो गया। तुम तो ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मॉम और रेमी वो दोनों चले गए। मॉम ने मुझे कहा था। जानती हूँ, मुझसे भी कहा था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेटी, तो मेरे लिए दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे माफ करना, मैंने तुमसे झूठ कहा। मैं जानता था कि तुम आ रही हो, फिर भी मैं चला आया। कल मैं रहूं ना रहूं पर इतना याद रखना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन डैड आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? आप हैं कहाँ? हम अभी आसमान में हैं, न्यूयॉर्क के ऊपर, पर एक प्रॉब्लम है। सारे एयरपोर्ट बंद हैं और रास्ते जाम हैं, हमें लैंड करने की जगह नहीं है। क्या? और हमारे पास ज्यादा फ्यूल भी नहीं है। क्लोई डैड,
क्लोई। हम न्यूयॉर्क पहुंच रहे हैं, पर अभी हमारे आगे बड़ी चुनौती बाकी है। सारे के सारे एयरपोर्ट्स बंद हैं। मैं चाहता हूं कि आप शांति से अपनी कुर्सी पर बैठे रहें और अपने सीट बेल्ट्स बांधे रखें। अगर मैं आपसे सच कहूं तो इस वक्त हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। मैं एयरपोर्ट से संपर्क कर रहा हूं, शायद हमें लैंडिंग के लिए कोई रनवे मिल जाए, पर हमारे पास फ्यूल बहुत कम है। फ्लाइट अटेंडेंट जो कहे उसकी बात ध्यान से सुने, और अगर आप प्रार्थना में यकीन करते हैं तो यही सही समय है। मेरे साथ प्रार्थना करोगी? हाँ, क्यों नहीं, जरूर आ जाओ। अभी भी सिग्नल नहीं मिल रहा है। कोशिश करते रहो। कर रहा हूं। मुझे प्लेन नीचे उतारना ही पड़ेगा। नीचे उतारोगे? पर कहां? पानी में। लेकिन आपने कहा था कि? जानता हूं, जब तक फ्यूल है जेएफके के ऊपर उड़ूंगा, पर रनवे क्लियर ना हो तो लैंड नहीं कर सकता। एयरपोर्ट के पास पूरा शहर बसा हुआ है, अगर बिना सोचे समझे नीचे लैंड किया तो प्लेन तो क्रैश होगा ही, आसपास बहुत तबाही होगी। जेएफके टावर, ये है पैनकॉन 257। हमें इमरजेंसी क्लियरेंस की जरूरत है। क्लोई को फोन लगाते रहो, जल्दी। ओके पैसेंजर्स, मेरी बात ध्यान से सुने, मैं आपको इमरजेंसी स्टेप्स बताने वाली हूँ। आपकी कुर्सी के नीचे लाइफ जैकेट है, जब तक प्लेन पूरी तरह रुक नहीं जाता आप अपनी कुर्सी से उठेंगे नहीं और सीट बेल्ट बांध के रखेंगे। उसके बाद आपको अपनी फ्लाइट क्रू के इंस्ट्रक्शंस का इंतजार करना होगा। धन्यवाद। जेएफके टावर, यह है पैनकॉन 257। हमें इमरजेंसी क्लियरेंस की जरूरत है अभी। जेएफके टावर, यह है पैनकॉन 257। हमें इमरजेंसी क्लियरेंस की जरूरत है। गाइडिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा है, अंधेरे में वो जगह ढूंढना मुश्किल होगा। हे क्लोई, मेरी बात सुनो, अपने मोबाइल के कंपास ऐप को ऑन करो। ओके, अभी करती हूँ।
हाँ मिल गया। ओके, नीचे देखो वहाँ नंबर लिखे होंगे, वो नंबर मुझे जल्दी से बताओ। ठीक है, 40.66.34 north, 73.78.32 west। ठीक है, क्लोई ये बताओ कि रास्ता कितना लंबा है? लगभग 1 किलोमीटर, और लंबा हो सकता है। इससे काम नहीं होगा, मुझे और जगह चाहिए। ठीक है, कोशिश करती हूँ। क्लोई, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मैं आप लोगों के लिए और रास्ता बना रही हूँ। बक, बक मुझे सुन सकते हो? हेलो, ओह नो, क्यों चल रहा है? Come on! हमें किसी तरह का सिग्नल चाहिए होगा ताकि हमें लैंडिंग की जगह का पता चल सके। आप ठीक तो हैं? देखिए, मैं यहीं बैठ जाता हूँ। जब तक अंकल बाथरूम से नहीं आ जाते, मैं यहीं बैठा हूं आपके साथ। फ्यूल खत्म हो गया। क्या? नहीं, मैं इसे अभी भी लैंड कर सकता हूं। हम सीधा नीचे जाएंगे तेजी से जमीन की तरफ, लेकिन स्पीड कम करने के लिए मेरे पास सिवाय ब्रेक्स के कुछ नहीं है। अब कोई रास्ता नहीं बचा है, हमें रिस्क लेना होगा। डैड, क्लोई, क्लोई, काफी जगह बना ली है, तकरीबन 2 किलोमीटर, लेकिन उसके आगे रास्ते में काफी भारी सामान रखा हुआ है। क्लोई, 2 किलोमीटर लैंडिंग के लिए काफी है, पर मुझे तेज रोशनी की जरूरत है ताकि लैंडिंग कहाँ करनी है पता चल सके। ओके, आपको कार की हेडलाइट्स दिख रही है? नहीं, मुझे नहीं दिखाई दे रही है, मुझे बड़ी रोशनी चाहिए, जैसे कोई फ्लेयर। हमारे पास वक्त बहुत कम है, मुझे अभी लैंडिंग करनी पड़ेगी। क्लोई, सिगरेट है तो फिर लाइट क्यों नहीं मिल रहा? दो किलोमीटर कम नहीं होगा? कम है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारी मौत की वजह वो खुद को समझे। लैंड करेंगे। तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं। ठीक से देखो, क्लोई का सिग्नल यहीं आसपास दिखाई देगा। हमारे पास एक ही मौका है, बस पता चल जाए कहां लैंड करना है। अभी तक कुछ नहीं दिखा। जल्दी करो क्लोई। Oh no!
शायद लैंडिंग गियर टूट गया है। हाँ? नीचे जाइए और फिर मेरी मदद कीजिए। चलिए चलिए जल्दी, एक एक करके आराम से, आराम से, धीरे धीरे जाओ, चलिए चलिए जाओ, जल्दी जाओ, चलो आइए, चलिए चलो, चलिए 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 आराम से, धीरे से संभल कर, जल्दी जल्दी उतरिए, कुछ लोग आगे से उतरेंगे, कुछ लोग पीछे से, चलिए चलिए जल्दी चलो, किसका वेट कर रहे हो, संभल कर जाइए। अच्छी नहीं भाई, तुमने भी। हैरी, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, डैड। मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए था, मॉम और रेमी के साथ मुझे जाना नहीं चाहिए था। आप ठीक है, यही बहुत है। अब आप इस अंगूठी को पहनना चाहेंगे? शुक्रिया, हम बच गए। तुम ठीक हो ना? दुनिया खत्म होने वाली है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो बस अभी शुरुआत है। Life was filled with guns and war, and all of us got trampled on the floor.